ये जो चीजें आप पढ़ रहे हो ना अभी ये आपको आगे भी काम आएंगी तो ये वेस्ट ऑफ टाइम तो है नहीं और वेस्ट वॉट ये एक जर्नी है जो बहुत अच्छे से जाएगी अगर आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हो तो बहुत अच्छे से जाएगी आपकी हेलो एवरीबॉडी वेलकम टू माय चैनल और वेलकम बैक टू माय चैनल होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल तो मेरी यही उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हो आप लोग थोड़ा टेंस हो गया है नो क्योंकि जैसे जैसे एग्जाम पास में आती रहती है वैसे वैसे एक डर रहता है रोज़ नींद में से के पहला दिन पहला लगता है आपको कि आज का दिन भी चला जाएगा तो आपको फील हो रहा होगा बट इट्स ओके इट इज़ पार्ट ऑफ योर जर्नी तो आई uh, सॉरी पहले तो क्योंकि मैंने दो दिन से कोई वीडियो अपलोड नहीं की है बहुत सारे लोग वेट कर रहे होंगे कि ये अब अपलोड करेगी अब अपलोड करेगी बट मैंने दो दिन से कुछ अपलोड नहीं किया था एंड दैट सॉरी फॉर दैट बिकॉज मेरी कॉलेज रीस्टार्ट हो चुकी है तो मेरे को थोड़ा फिर वो अपनी बॉडी को भी वो होता है ना कि चालू हो गया है तो कुछ ऐसे आई सो ओके आप लोग समझ जाओगे ठीक <laughs> है तो अभी मैं आज अपलो आज छूटी कर रही हूँ और आज ही अपलोड करूंगी तो लेट्स गेट स्टार्टेड ठीक है तो सबसे पहली चीज़ जिनका कुछ भी नहीं हुआ या फिर उनको थोड़ा बहुत नॉलेज है अपनी पढ़ाई के बारे में या फिर अपनी सिलेबस के बारे में मैं उनको बताऊंगी कि आप ट्राई करो कि आप एक तो क्रैश कोर्स कर सकते हो या फिर आप वन शॉट वीडियोज़ देख सकते हो यूट्यूब पे जो ज़्यादा लंबे ना हो बट आपको कन्सेप्ट सही से समझ में आ जाए ये वन सॉल्यूशन है आपके पास में एंड सेकंड सॉल्यूशन आपको नॉलेज है आपके सिलेबस के बारे में एंड uh, तुम लोग का काफ़ी कुछ प्रिपेयर हो चुका है बोर्ड का बट फिर से आपको रिविजन जैसे थ्रू करना है तो सबसे पहली चीज़ आपने करनी है वो है पी ले लेने हैं कोई भी साल के ले लो और उसको सॉल्व करो विदाउट स्टडीज जो भी कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं बस आपने ले लेना है उसको सॉल्व कर लेना है अब सॉल्व करने के बाद आपको जितने मार्क्स मिले उसको एक जगह पे लिख के रख दो ठीक है कोई भी साल का प्रिपेयर कर, करो बट आई विल सजेस्ट यू कि पिछले साल का प्रिपेयर करो क्योंकि ना पिछले साल के पेपर का थोड़ा लेवल हाई हो चुका था एज़ कम्पेयर टू उसके पहले जितने भी पेपर हुए उनके थोड़ा लेवल हाई हो चुका था जेई लेवल का हो चुका था वो मैथ्स एट लीस्ट तो आप उसको आप लोग उसको सॉल्व करो एंड अपना मार्क्स कहीं लिख के रख दो ठीक है सेकेंड चीज़ आप क्या कर सकते हो आप लोग जो है वन uh, शॉट का तो मैंने बोल दिया अगर आपको क्विक रिवीजन करनी है वो बट रिवीजन कब होती है पता है जब आप खुद से किताब खोल के पढ़ते हो क्योंकि मैंने भी बहुत सारे वीडियोस देखे हैं मैं भी ट्यूशन जाती थी बट जब हम खुद से पढ़ते हैं ना तब हमारे को ज़्यादा नॉलेज मिलती है हम लोग कुछ नया सीख जाते हैं बुक में अगर बुक खोलूँगी कोई भी बुक खोलूँगी तो उसमें से मेरे को कुछ अच्छा ही सीखने मिलने वाला है कुछ नया सीखने मिलने वाला है तो आई विल सजेस्ट यू कि ट्राई करो कि आप सजेस्ट नहीं मैं आपको हंड्रेड परसेंट कि भाई बुक खोलो और किताब पढ़ना शुरू करो. तो हमारा सेकेंड चीज़ भी वही है कि रीडिंग करो अपने टेक्स टेक्स्ट बुक के थरोली अच्छे से रीडिंग करो उसके बाद में उसके ऊपर क्वेश्चन एम सी क्यू सॉल्व करो उसके बाद में उसके ऊपर न्यूमेरिकल सॉल्व करो जो भी फिजिकल चीज़ें होगी जैसे न्यूमेरिकल्स होते हैं मैथ्स में होते हैं फिजिक्स में है केमिस्ट्री में है न्यूमेरिकल्स है चैप्टर को रीड करो उसके बाद में एम सी क्यूज सोल्व करो उसके न्यूमेरिकल सॉल्व करो उसके न्यूमेरिकल्स के लिए आप सॉल्ड एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हो प्लस सॉल्ड एग्जाम्पल हो गए आपके तो आप एम सी क्यूज़ पे आ सकते हो जो एम सी क्यूज न्यूमेरिकल बेस्ड होते हैं हो उस पर ठीक है तो आप ये सब चीज़ें कर सकते हो ज़्यादा कुछ लंबा वीडियो नहीं बना रही हूँ बिकॉज़ आई नो कि एन्जाइटी होती है फिर आपको लगता है ये भी सारी चीज़ें बोल रही है करने के लिए बाकी कुछ नहीं बोल रही हूँ मैं आपको बस आपको यही चीज़ करनी है आपको टेक्स्ट बुक पढ़नी है बिकॉज मैंने लास्ट दो भी महीने में दो महीने में मैंने प्रिपेयर किया था मेरे को सिलेबस का नॉलेज था कि ऐसा नहीं कि मेरे को नहीं पता है बिल्कुल भी कि मेरे को करना क्या है ये मेरे को ऐसा नहीं था मेरे बारे में तो मेरे को नॉलेज था सब चीज़ों का बट मेरे को वो चीज़ें याद नहीं हो रही थी तो मैंने लास्ट में दो महीने में वो प्रिपेयर की थी तो वो मैंने ऐसे ही प्रिपेयर की थी मैं रोज़ रीडिंग करती थी एम सी क्यूज़ करती थी एंड न्यूमेरिकल्स करती थी मेरे पुराने वीडियोज़ भी हो गए जिसमें मैं स्टडी व्लाग्स बना रही हूँ सीई का जिस पर मैं हमेशा बोलती कि आज मैंने चैप्टर रीड किया न्यूमेरिकल्स के एंड एम सी क्यूज़ के ऐसे ही बोल रही हूँ मैं सारे वीडियोज़ में तो आप भी वही करो बिकॉज इसके अलावा कोई सोल्यूशन ही नहीं है और आपका बिल्कुल भी नहीं हुआ हुआ है तो आप एक क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हो एंड आपको अगर बहुत ज़्यादा मोटिवेशन की ज़रूरत है तो आप मोटिवेशन uh, या फिर छोटी मोटी टिप्स की ज़रूरत है तो आप वो टॉपर्स के वीडियोस देख सकते हो मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगी क्योंकि ज्यादा नहीं सजेस्ट करूंगी क्योंकि टाइम पास होता है उनको भी देखने के लिए तो अगर आपको बहुत ज्यादा डिमोटिवेट हो रहा है तो हफ्ते में एक बार उनका सुन लो यही सब चीजें बोलूंगी एंड बी काम be positive because you know what ये एक जर्नी है जो बहुत अच्छे से जाएगी अगर आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हो तो बहुत अच्छे से जाएगी आपकी एंड हार्ड वर्क करते रहो भी कंसिस्टेंट एंड छोटे छोटे स्टेप्स अपनी लर्निंग के तरफ लेते रहो क्योंकि ये जो चीज़ें आप पढ़ रहे हो ना अभी ये आपको आगे भी काम आएंगी uh, तो ये वेस्ट ऑफ टाइम तो है नहीं और वेस्ट ऑफ स्टडी मतलब आप वेस्ट ऑफ टाइम तो नहीं कर रहे अपने लाइफ का हिस, कुछ हिस्सा वेस्ट नहीं कर रहे आप इन्वेस्ट ही कर रहे हो बिकॉज बहुत सी चीज़ें आपको इंजीनियरिंग में भी पढ़नी पड़ेगी और फार्मेसी में भी मेडिकल का बहुत सारा चीज़ें होती है जो पढ़नी पड़ती है तो अगर आपको अभी से इतना अच्छा नॉलेज रहेगा तो आप आगे भी बहुत अच्छा टैकल कर पाओगे अपनी लाइफ के साथ अपनी स्टडीज़ के साथ में अपने कॉलेज के साथ में तो अब डोंट बी वरी वरीड अबाउट चीज़ें कि क्या होगा क्या नहीं होगा आप बस प्रोसेस करते रहो आठ नौ दस घंटा पढ़ते रहो मतलब आपकी कैपेसिटी के हिसाब से मेरे को तो अभी आ, तब के टाइम पे वो चढ़ गया था मेरे दिमाग में तो मैं बारह घंटे भी पढ़ लिया करती थी uh, तो आप भी पता नहीं क्या हो गया बट ठीक है uh, मैं पढ़ लिया करती थी तो आप भी ट्राई करो कि आपसे जितना हो सके तो आप अपने आप को टाइम दो अपनी पढ़ाई को टाइम दो एंड या दैट्स एट फॉर टू डे इज वीडियो आई होप दिस विल हेल्प यू एंड जय श्री कृष्णा राधे राधे टड़ा बाई बाई होप्स हो कि आपका बहुत अच्छा प्रिपेयर हो और मैंने आपको हेल्प ही की होगी इस वीडियो के थ्रू मुझे ऐसा लगता है एंड प्लीज़ कमेंट्स में बता देना कि ये हेल्पफुल था कि नहीं आपके लिए दैट्स एट तड़ा बाय बाई